हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपको डेंटिस्ट ने दांतों में केप लगाने की सलाह दी है, सजेशन दिया है कि आपके दांत में ये समस्या है और अब आपको केप लगाना होगा, तब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि दांत में केप क्यों लगानी चाहिए, कब लगाएं, कौन से केप लगाना बेटर है और लगाने के बाद लगाते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, कोई दर्द तो नहीं होता है और ये केप कितने समय तक टिकती है, चलती है। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो इन सभी सवालों का जवाब है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डेंटिस्ट है वो दांतों में केप लगाने के सजेशन किस सिचुएशन में देते हैं, क्यों देते हैं। अगर आपका दांत है उसमें केविटी है, क्लास 2 केविटी है, यानी कि दो दांतों के बीच में केविटी हो गई है, बार बार खाना फंस रहा है और आपने फिलिंग करवा रहे हो लेकिन फिलिंग कुछ ही दिनों में फिर से निकल जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको केप लगाने का सजेशन दे सकते हैं। आपका दांत ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो उसको वापस, क्योंकि क्या होता है एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिलिंग वहाँ नहीं रह पाती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी केप लगा के आपके दांत को फिर से रिबिल्ड करने का सजेशन दिया जाता है। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन है और आपको रूट केनाल ट्रीटमेंट का एडवाइस मिले, आपको रूट केनाल ट्रीटमेंट करवाया है या फिर करवाना है, तो RCT या रूट केनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको केप जरूर लगानी चाहिए, उस वजह से भी आपको सजेशन दिया जाता है। अगर आपका एक दांत मिस है यानी दांत नहीं है तो आपको ब्रिज लगाने की एडवाइस दी जाती है। ब्रिज का मतलब हो गया कि जहाँ दांत नहीं है वहाँ पे दांत लग जाता है, यानी केप टाइप का, एक दांत टाइप का ही केप होती है वो लग जाती है और जो पास वाले टीथ हैं उन पे सपोर्ट के लिए उन पे केप लगा दी जाती है, तो 3 यूनिट का एक ब्रिज बन जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके आपको केप लगाने का सजेशन दे सकते हैं। अगर आपके फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, फ्लोरोसिस है, आपके दांत बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो गए, ऐसे दांत घिस गया ऊपर से, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है और आप चाहते हैं कि आपके दांत है वो वाइट दिखे, अच्छे दिखे, सेंसिटिविटी दूर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको केप लगवाने की एडवाइस दी जा सकती है। तो ये इस टाइप बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से डेंटिस्ट आपको केप लगाने का बोल सकते हैं। अब ये जानते हैं कि चलो ठीक है, केप तो हमें बोल दिया है डेंटिस्ट ने, लेकिन कौन सी केप हमारे लिए बेस्ट है। तो केप को अगर आपको चुनाव करना है तो स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो केप बहुत अलग अलग टाइप्स की आती है, यानी कि मेटल की केप होती है, PFM होती है, PFM का मतलब पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल, यानी अंदर मेटल होता है ऊपर सिरेमिक की लेयर होती है, और एक आती है जिरकोनिया की केप, जिरकोनिया मेटल फ्री केप होती है। तो स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो तीनों ही बेस्ट है, अच्छी है, स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हम कलर और अपीयरेंस की बात करें कि कॉस्मेटिकली कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो जिरकोनिया की केप है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, मेटल फ्री होता है और दिखने में एकदम नेचुरल जैसी दिखती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल केप की अगर अब बात करते हैं कि आपकी बजट की बात करें कि बजट वाइज बजट फ्रेंडली केप कौन सी है, तो अगर आप पीछे के दांतों में लगाना चाहते हो, मोलर्स में लगाना चाह रहे हो, तो आप मेटल की केप भी लगा सकते हो, स्ट्रेंथ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस उसका कलर मेटलिक होता है कि अगर आप मतलब आपके दांत के कलर का नहीं होता है, चांदी जैसा कलर आता है, अगर आपको कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप मेटल की केप लगाए, बजट फ्रेंडली होती है, 1500 से 2000 के बीच में आपके मेटल की केप लग जाती है। दूसरी होती है PFM, अगर आप चाहते हो बजट आपका कम है तो आप फ्रंट के जो टीथ होते हैं उनमें आप PFM लगा सकते हो, मोलर्स में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें केप का जो कलर होता है वो आपके दांत का एकदम मैचिंग कर दिया जाता है, लेकिन उसमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि अंदर मेटल होता है तो कभी कभी वक्त के साथ वो चिप ऑफ हो सकता है, बस इतना ही प्रॉब्लम होता है, बाकी स्ट्रेंथ वाइज मेटल की भी अच्छी रहती है और PFM की भी बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी केप चाहिए हमें, तो बेस्ट केप बताइए जो आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम ना हो और हमें मेटल फ्री केप चाहिए, तो उसके लिए आपको जिरकोनिया सबसे बेस्ट है। फ्रंट के टीथ में मैं एकदम प्रिफरेबली एडवाइस करती हूँ, बैक टीथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कभी कभी कुछ लोगों के फोर्स जो ऑक्लूजन फोर्स होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से कोई चांस होता है ब्रेक होने का,
लेकिन अगर जिरकोनिया आपका बजट अच्छा है तो आप जिरकोनिया कैप लगवा सकते हो। वो कम से कम आपके नॉर्मल से, अगर हम क्लिनिक की बात करें तो 5,000 से 10,000 के बीच में एक दांत की कैप की रेट आती है। वो बेस्ट कैप होती है, उसके 10 से 15 साल की वारंटी भी रहती है। आपका जो लुक है उससे नेचुरल नज़र आता है। तो ये तो है कैप्स के टाइप की, कौन सी कैप है और कौन से आपको लगानी चाहिए। अब जानते हैं कि कैप लगाते वक्त या लगाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कैप लगाते वक्त आपके दर्द होगा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपकी जब कटिंग की जाती है तो अगर आपका रूट कैनाल रिलेटेड टूथ है तो आपके वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सेंसेशन नहीं होता। अगर आपके आरसीटी नहीं किया हुआ है तो हो सकता है हल्की सेंसिटिविटी फील हो। अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन यानी कि एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे आपका वो एरिया है सुन हो जाता है और आपको दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और अगर हल्की हल्की सेंसिटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर आपको एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हो, आप नहीं चाहते, तो हल्की सेंसिटिविटी हो सकती है कटिंग करने के दौरान, क्योंकि उसमें क्या होता है कि चारों ओर का जो पोर्शन होता है हल्का हल्का कट किया जाता है ताकि उस पर कैप फिट हो जाए। तो लगाते वक्त कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात करते हैं कि लगाने के बाद किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्या दर्द हो सकता है। तो अगर आपके हाई पॉइंट्स हैं, वैसे तो जब डेंटिस्ट आपके लगाते हैं उसी वक्त चेक कर लेते हैं कि आपकी बाइट सही है, ओक्लूजन सही है या नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है, कभी कभी पेशेंट नहीं बता पाते हैं। और कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो वो हम जब खाना खाते हैं तब पता चलता है कि कोई मतलब जो बाइट है वो अच्छे से नहीं आ पा रही है, तो उस सिचुएशन में आपके दर्द फील हो सकता है। बाइट अच्छे से नहीं होगी तो आप खाना अच्छे से नहीं खा पाओगे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो फिर से डेंटिस्ट के पास जाए, क्योंकि वो एक हाई पॉइंट है जिसको डेंटिस्ट ऑक्लूजन ही डिटेक्ट कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे और आपकी बाइट है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी। केप लगाने के बाद नॉर्मली किसी चीज़ का दर्द नहीं होता। अगर आपने रूट केनाल ट्रीटेड टूथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी कभी ये होता है कि अगर आपका दांत रूट केनाल ट्रीटेड नहीं है और आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उस पर केप लगा ली है, तो आपके दांत में दर्द हो सकता है। और अगर हम केप की लाइफ की बात करें तो ये नॉर्मली 5 से 10 साल तक कुछ नहीं होता है, बट किसी सिचुएशन में अगर आप बहुत अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो, कोई हार्ड चीज़ बाइट कर रहे हो, खींचने वाली चीज़ बाइट कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि केप निकल सकती है। ब्रेक बहुत कम चांसेस पे ब्रेक होती है, एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकती है, बट ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ केप बाहर निकल सकते हैं जिसको आप फिर से डेंटिस्ट के पास जाके रीफिक्स करवा सकते हो। और अगर आपने PFM की कैप लगाई है तो हो सकता है कि आपका ऊपर का जो सिरेमिक है वो चिप ऑफ हुआ और आपका जो मेटल है वो दिख रहा हो। इससे ज़्यादा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है कैप लगाने के बाद। बस एक ही है कि अगर आपका दांत ऑलरेडी इन्फेक्शियस है, मसूड़ों से या कहीं से इन्फेक्शन हो गया है, तो आपके दांत में दर्द हो सकता है, कैप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मैंने इस वीडियो को बहुत ब्रीफली और शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश की है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।